तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम हैं अभी टैक्सी स्टैंड गुलमर्ग में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बस स्टैंड। और अब यहाँ से हमें जो गुलमर्ग के पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट घूमना है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर है सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ सेल्फी पॉइंट पर आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हो। और यहाँ पर आप दिसंबर के महीने में आओगे तो आपको पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। तो अब चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं गुलमर्ग के जो पॉइंट हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे ई रिक्शे से। तो आप घोड़े से भी जा सकते हो और ई रिक्शे से भी जा सकते हो और गाड़ी से भी जा सकते हो। तो हम सामने की तरफ आप देख सकते हैं ई रिक्शे खड़े हुए हैं। तो चलते हैं। तो फाइनली हम ई रिक्शे में बैठ चुके हैं और अब जाते हैं व्यू पॉइंट की तरफ और हम आपको सारे जो पॉइंट हैं वो दिखाएंगे। गुलमर्ग का मेन टैक्सी स्टैंड जो कि टनमर्ग से सीधा गुलमर्ग आते हैं। तो यहाँ पर टैक्सी वगैरह रुकती है और यहाँ पर आपको होटल और शॉप वगैरह यहाँ पर सारी कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। जो आप सामने देख रहे हो शिव मंदिर, तो ये है गुलमर्ग का शिव मंदिर और ये कई सारी मूवियों में दिखाया गया है और कई सारे गाने भी यहाँ पर शूट किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है गुलमर्ग का शिव मंदिर। दोस्तों यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो, क्या मस्त नज़ारा है। तो ये है गुलमर्ग का नज़ारा और यहीं पर है व्यू पॉइंट जो कि आप सामने देख रहे हो। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ सामने। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा जो कि टनमर्ग का व्यू है और ये देख सकते हैं व्यू पॉइंट। तो वो सामने की तरफ है व्यू पॉइंट जहाँ पर लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ से पूरा टनमर्ग दिखता है और दूर दूर तक काफ़ी सारी पहाड़ी वगैरह दिखती है। तो ये है व्यू पॉइंट कुछ इस तरीके का। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। देखने के बाद आप निकल गए हैं अगली लोकेशन के लिए। तो मैं अब आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नई लोकेशन जो कि महाराजा हरि सिंह पैलेस है, जो कि महाराजा हरि सिंह का महल है यहाँ पे। और वो महल मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, तो काफ़ी हरा भरा जंगल है और काफ़ी ऊँचाई पर है ये। तो आप अगला ब्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।